भगवंत मान हर काम वखरे अंदाज विच ही करदे ने। नामजदगी भरन दा मौका आया तां मान ट्रैक्टर ते सवार होके नामजदगी परचा दाखल करन पहुंचे। मान ने इत्थे करीब 2 करोड़ दी नकदी अते जायदाद जाहर कीती है। तुहानू इह वी दस दईए कि इत्थे मान ने इह कहा कि उन्हां दा मुकाबला सिर्फ गुंडागर्दी दे नाल है अते माफिया राज नूं उह खत्म करनगे। गुप्त रूप से चोरी से वो करेंगे तो ये उनके लिए बहुत मतलब हार होगी उनकी। इसका मतलब उनको ये पता चल गया है कि हम हार रहे हैं। तो मुकाबला हमारा गुंडागर्दी के साथ है, मुकाबला हमारा माफिया राज से है, मुकाबला हमारा करप्शन से है, मुकाबला बेरोजगारी से है, मुकाबला आत्महत्याएं किसान जो कर रहे हैं वो रोकनी है। तो मैं तो सभी को गुड लक बोलूँगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा किसी के बारे में पर्सनल भी मैं नहीं बोलूँगा। रवनीत बिट्टू जी आए, वो MP हैं, पार्लियामेंट में बहुत बार इकट्ठे होने कई मसले भी उठाए हैं, तो चलो उनको भी गुड लक। सर आपको आप पार्टी पंजाब आ जाती है उसका CM कौन होगा सर? नहीं जी, ये फैसला करेगी पार्टी, ये फैसला जो है ये लोगों से पूछ के कर लेंगे। ये भी हम आदमी पार्टी लोगों से पूछ के करती है सारे फैसले। दिल्ली का बजट लोगों से पूछ के और मैनिफेस्टो लोगों से पूछ के बना पंजाब का भी, तो CM का फेस भी लोगों से पूछ के। इसका मतलब कहा था ना, मैं बनूंगा उसके बाद से। मैंने कब कहा था उसका पूरा देखो आप। मैंने कहा था कि अगर सिर्फ जलालाबाद से नहीं हो सकता, 117 की 117 दो लोग मुख्यमंत्री बनेंगे।